नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीबी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगढ़। एफिलियेटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में बीती रात और आज सुबह पुलिस के साथ हुए दो अलग अलग स्थान पर मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 1 कारबाइन, 2 असलहे व कारतूस बरामद किए गए हैं। SP आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि एक दिन पूर्व महाराजगंज थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। इसी क्रम में बीती रात को फरार अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अहरौला थाना के मोतीपुर पुलिया के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें कप्तानगंज थाना क्षेत्र का निवासी और थाना का हिस्ट्री शीटर प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे के दोनों पैर में गोली लगी है। उसके पास से 1 कारबाइन 32 बोर, 1 पिस्टल 32 बोर और 1 चोरी की बाइक बरामद हुई है। इसके ऊपर 30 मुकदमे हैं। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि कारबाइन इसको कहां से मिली। इसके अलावा वहीं से राजीव कुमार गौतम को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी मुठभेड़ इब्राहिमपुर थाना अहरौला में सुबह हुई, जहां अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज के निवासी अपराधी अभिषेक यादव के पैर में गोली लगी है और उसके पास से भी असलहा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर मऊ व अंबेडकर नगर में असलहा सप्लाई का कार्य करते हैं। पूरी पुलिस टीम को 25,000 का इनाम SP की तरफ से दिया गया। कल थाना महाराजगंज में SOG टीम द्वारा अवैध शस्त्र बनाने में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इस गैंग के फरार अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुल मोदीपुर नहर के पास गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 1 अपराधी प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मन्नू पांडे, जो थाना कप्तानगंज का हिस्ट्री शीटर नंबर 10A और इस पर 30 मुकदमे गंभीर धाराओं के दर्ज हैं। दूसरा राजीव कुमार गौतम उर्फ राजू, यह भी अवैध शस्त्रों की खरीद फरोख्त में शामिल था। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर अपराधी मन्नू पांडे को बाएं घुटने में और दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से 1 कारबाइन 32 बोर, 1 पिस्टल 32 बोर, कारतूस और चोरी की सुपर स्प्लेंडर बाइक बरामद हुए हैं। बरामद कार्रवाई के संबंध में विस्तृत पूछताछ इससे की जा रही है, कहां से इसको मिली थी। इसी प्रकरण में 1 अन्य फरार अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रामचरण, निवासी थाना जहांगीरगंज जनपद अंबेडकर नगर को आज सुबह थाना अहरौला की टीम के द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से एक अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ में इस गैंग द्वारा जनपद आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के जनपद मऊ, अंबेडकर नगर और गाजीपुर में अवैध शस्त्र सप्लाई करना प्रकाश में आया है। इस पूरे गैंग की गिरफ्तारी और भारी बरामदगी के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ एक विशेष विवेचना टीम का गठन किया गया है, जो इस पूरे गैंग से पूछताछ और कहां कहां इनके द्वारा इस असलाह की सप्लाई की गई थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उसके बारे में डिटेल में विवेचना करेंगे और गिरफ्तारी आगे लोगों की सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण न्यायालय के गठन और 4 न्यायिक अधिकारियों को ग्रामीण न्यायालय भेजे जाने के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता गुरुवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। नाराज अधिवक्ताओं ने आधे घंटे तक गिरजाघर चौराहे पर चक्का जाम भी किया। इसके पूर्व इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की आपात बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। बैठक में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ग्रामीण न्यायालय के गठन की अधिसूचना जारी किए जाने का घोर विरोध किया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारा संगठन एक दशक से अधिक समय से इस संबंध में आंदोलनरत है, उसके बावजूद हमारी बात को अनसुनी करके ग्रामीण न्यायालय का गठन कर दिया गया है। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अधिवक्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस संबंध में आंदोलन को और धार देने के लिए एक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया। संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि समिति 4 न्यायिक अधिकारियों को ग्रामीण न्यायालय भेजे जाने को लेकर आक्रोशित है।
इसके विरोध में समिति शुक्रवार को व्यापक रूप से चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराएगी। कि ग्रामीण न्यायालय में चार अधिकारी यहाँ से भेज दिए गए हैं, यह आ गया ऑर्डर हाई कोर्ट का, इसका यहाँ विरोध है। और आजमगढ़ में खुद कई अदालतें खाली हैं, कम से कम इस समय 10-12 अधिकारी कमी है, इसके बाद भी चार अधिकारी इसमें से भेज दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों की यह मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय उन अधिकारियों का फिलअप करे और हम लोगों की हड़ताल उसके विरोध में भी रहेगी। और दूसरी बात कि कल जो है हम लोग विरोध स्वरूप चक्का जाम भी करेंगे और भ्रमण करेंगे, बहुत शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, फिर अगली रणनीति जो है कल तय करेंगे। आज जो है चक्का जाम बहुत हल्का रहा, था नहीं, आज जो है चक्का थे इतना भीड़ हो गई थी कि ऑटोमेटिक चक्का जाम हो गया। आज कार से विरत रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं कि जो नियुक्ति हुई है गलत तरीके से हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बता दें कि चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। वहीं अंतरिम बजट को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी का कहना है कि आम आदमी के प्रति वित्त मंत्री की सोच हमेशा से ही नकारात्मक रही है और इस अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री की सोच दिखाई दे रही है। कहा कि 10 साल की मोदी सरकार ने सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए काम किया है और यह बजट भी सिर्फ कॉरपोरेट घराने के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया है। कहा कि अडानी अंबानी की सरकार से अच्छे की उम्मीद करना बेमानी है। जनता को देखना होगा कि यह सरकार जो धर्म के नाम पर चल रही है वह आम आदमी के बारे में कुछ सोचती है या नहीं। कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महंगाई और बेरोजगारी का विरोध करती रही है और आगे भी सड़क से लेकर संसद तक का विरोध करते रहेंगे। देखिए, ये जो बजट अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, इस बजट के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि जैसा कि पहले से भी आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर का जिस तरीके का रुख आम चीजों पर और आम लोगों के प्रति रहता है, उनके तमाम बयान इस तरीके के पहले भी आ चुके हैं प्याज के मसले पर और इस तरह के मसलों पर, कि उन बयानों से ही सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी के लिए ये बजट किस तरीके का रहने वाला है। और वैसा ही हुआ। तो कुल मिला के जो बजट आया है उसमें आम आदमी के लिए तो फिलहाल कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिसको कि उद्धृत किया जा सके और बताया जा सके लोगों को। अब रह गई बात ये कि पिछले 9-10 साल से जो सरकार चल रही है देश में, वो सरकार के बारे में इतना तो तय ही है कि वो हमेशा कॉरपोरेट के पक्ष में रहती है और इस बार भी आम आदमी के लिए इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं है। और कॉरपोरेट का जहां तक सवाल है तो कॉरपोरेट टैक्स 22% जरूर कर दिया गया है और उनको राहत देना ही था इस सरकार को और वो सरकार ने राहत दी है। तो कॉरपोरेट की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, तो निश्चित रूप से हम तो कह सकते हैं कि मतलब जिसकी सरकार है उसके लिए काम कर रही है, जिसका चौकीदार है उसके लिए काम कर रहा है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में तो क्या ही पूछना है, क्या ही कहना उनके बारे में। उनका तो पहले से ही रुख स्पष्ट है कि आम आदमी को देने के लिए फिलहाल उनके पिटारे में, उनके झोले में, उनके लैपटॉप में कुछ भी न था न आगे रहने वाला है। लेकिन अब बजट में आम आदमी को जरूरत इस बात की है कि वो देखे, ढूंढे अपने लिए कि क्या ये सरकार जो धर्म के नाम पर चल रही है वो आम आदमी के लिए भी कुछ करने में भी विश्वास रखती है, या सिर्फ यूं ही बस हवा हवाई, जैसे कि पीछे 10 साल से सरकार चल रही है उसी तरीके से आज बजट भी आया है। लोगों को तो इस बात का आकलन खुद करना पड़ेगा और हम तो इसका आकलन कर रहे हैं, लगातार उनकी महंगाई का, बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं और लगातार सड़क पे करते रहेंगे, संसद में भी हम इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अंतरिम बजट को लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि यह सरकार का अंतरिम बजट नहीं, गुड बाय बजट है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, नौजवानों के रोजगार, महिलाओं के किचन से लेकर आर्थिक स्थिति तथा गरीबों की आत्मनिर्भरता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, महंगाई से राहत, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ोतरी की कोई चर्चा नहीं है। कहा कि टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए सरकार की कोई सोच नहीं है।
कहा कि 2024 में सरकार की विदाई हो जाएगी, इसलिए यह विदाई वाला बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद एक तरफ तो ओवर कॉन्फ्रेंस में है और दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार के आगे घुटने टेकना यह बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। बजट है सरकार का और ये अंतरिम बजट नहीं, सरकार का गुड बाय बजट है। अभी सरकार की आखिरी विदाई का बजट है, क्योंकि ये जो सरकार दावे करती है बड़े बड़े, आप बताइए जो जनता महंगाई से जूझ रही थी, उस महंगाई से, उस जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार का इस बजट में क्या प्रावधान है? और जो सरकार बात करती है कि युवा की बात करती है, गरीब की बात, महिला की बात, किसान की बात, आप किसानों के लिए क्या किए इस बजट में? सिर्फ लॉलीपॉप दिए किसानों को? नौजवानों को बेरोजगारी पे लेकर के क्या इस बजट में प्रावधान है? महिलाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या इसमें प्रावधान है? ये बजट सिर्फ और सिर्फ दिखावे का बजट है, और जो बजट जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ न हो, जिस बजट से जनता को कोई राहत न मिले, वो व्यर्थ का बजट है। इस बजट को हम लोग बेमानी बजट मानते हैं, क्योंकि इस बजट से जन सरोकार का कोई काम नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी विडंबना इस सरकार की है कि पूरी जीडीपी का लगभग 81% का विदेशी कर्ज इस देश के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उस विदेशी कर्ज को लेकर के सरकार इतना खर्चा कर रही है और सरकार के पास खुद का क्या है? तो ये जो ऋण है विदेशी 81% जीडीपी का, इससे निजात पाने के लिए सरकार का क्या योजना इस बजट में किया गया? क्या ये इसी तरह विदेशी कर्ज बढ़ता रहेगा जनता के ऊपर? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और चूंकि ये बजट अभी पेश हो रहा है और बाकी इस पर गहन अध्ययन करने के बाद बाकी इस पर हम लोग अपना पूरा अपना नजरिया रखेंगे इस बजट पे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, महंगाई नियंत्रण, बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि इस बजट से आम जनमानस को की दुश्वारियों को दूर करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। आपने इनकम टैक्स की बात की, स्लैब की बात की, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है आज के डेट में कि उस इन्फ्लेशन से जनता को निजात दिलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बजट व्यर्थ का बजट है, जन सरोकार विरोधी बजट है, जनता के लिए विरोधी बजट है, और इस सरकार का गुड बाय वाला भी बजट है। सरकार को अब इनकी अंतरिम विदाई भी होने वाली है 2024 में। क्या लग रहा है, सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में है क्या? सरकार देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि अभी जो इनको तीन राज्यों में बहुमत मिला है, इससे इनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से इन्होंने नीतीश जी के सामने घुटने टेके हैं, इससे ये भी लगता है कि इनका मनोबल अंदर से खोखला है। तो ये दोनों बातें हैं, एक तरफ थे इनका लगता है कि इनका मनोबल बहुत बड़ा हुआ, लेकिन वहीं जब बिहार का मैटर देखते हैं तो लगता है कि मनोबल इनका बिल्कुल अंदर से खोखला है। तो जो भी हो, लेकिन ये बजट इस सरकार का जो जन विरोधी बजट है, इस बजट से जनता कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लोकसभा में शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर जिले के विभिन्न तबकों से अलग अलग प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। अधिकतर लोगों ने बजट को संतुलित बताया है, वहीं एक्सपर्ट इसे दूरगामी सकारात्मक प्रभाव वाला मानते हैं। भाजपा से जुड़े लोग जहां इस बजट को ऐतिहासिक और इसमें सभी वर्गों का हित बताया है, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं होने से तमाम लोगों के साथ सरकारी कर्मियों में जहां निराशा है, तो वहीं जीएसटी में कोई राहत न मिलने से व्यापारी भी निराश है। लोगों का कहना था कि चूंकि बजट मध्यम वर्ग और वेतन भोगियों के लिए निराशाजनक जरूर है, लेकिन सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ पर जोर सराहनीय है। इसका जो बजट पेश हुआ है वो महिलाओं और किसानों के हित के लिए काफ़ी अच्छा है वो, और तीन रेलवे का जो कॉरिडोर बना रहे हैं वो कॉरिडोर जो है सीमेंट, खनिज और ऊर्जा के लिए काफ़ी उपयोगी है ये। और भी इन्होंने जो बजट हर तरीके से इनका कुल मिला के एग्रीगेट देखा जाए तो बजट काफ़ी सराहनीय है। आपने इनकम टैक्स दी है, इसको क्या कहना चाहते हैं? अब इनकम टैक्स 7 लाख छूट तो दी, लेकिन इनकम टैक्स में कोई और राहत अभी दिखी नहीं है, और इस संबंध में आगे देखा जाएगा। फिलहाल आज के बजट में इतना ही लग रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों के लिए बजट सही है? महंगाई के हिसाब से बजट, चूँकि इनका खर्च और भी डेवलपमेंट में है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट जो है सही है। देखिए, बजट इस बार हम लोग को जो है ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे किसानों का विशेष रूप से सरकार ने ख्याल किया है। जो है फसल बीमा योजना और किसी प्रकार के जो फसल रिलेटेड जो हानि होती थी उसको हानि देने के लिए कमिट किया गया है, और छोटे किसानों का भी इसमें काफ़ी मतलब प्रोत्साहित किया गया है। और
महंगाई को देखते हुए देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, महंगाई तो बढ़ी ही है जो है। इनकम टैक्स तो सर जो है मुझको तो लगता है एज इट इज़ जैसे था वैसा ही है जो है, और बेसिकली जो है जो रुझान गवर्नमेंट रहा है किसानों की तरफ रहा है, उन्होंने मत्स्य पालन में और इस टाइप की जो चीज़ें उसको बढ़ाने में अच्छा प्रमोट किया जो है। नहीं हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा और तो रिबेट मिलनी चाहिए थी जो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसको चेंजेस नहीं किया, ठीक ठाक है ओवरऑल जो है, ठीक है एवरेज है जो है, ठीक है ओवरऑल, ऐसा कुछ नहीं जो है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक तरह से सामूहिक लूट योजना में तब्दील होकर रह गई है। बलिया में जिस तरह से फर्जी दूल्हा और तमाम अनियमितताओं के साथ उपहार देने में भ्रष्टाचार की बात सामने आई, इसी पैटर्न पर आजमगढ़ में भी इस योजना में तमाम अनियमितताएं सुनने में आई है, जिसमें विवाह संपन्न होने के बाद जोड़ों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। कुछ लाभार्थियों ने खातों में अभी तक पैसे ट्रांसफर होने से इनकार किया है। वर वधू को दिए जाने वाले उपहार की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है, उपरोक्त प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग किया कि जांच कर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। भाजपा सरकार में बात तो जनता जनार्दन की जाती है, लेकिन मंशा धनार्जन की रहती है। अभी कुछ हफ्ते पहले बदायूं में आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप से पीएम आवास योजना की एक लाभार्थी महिला शारदा देवी ने मंच पर सबके सामने बताया कि आवास के बदले उससे 30,000 की रिश्वत ली गई है। ऐसी खबरें इस बात को परिलक्षित करती है कि जन सरोकार की बात करने वाली सरकार के अधिकारियों का ध्यान धन सरोकार पर केंद्रित है। देखिए जो योजना चल रही है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये योजना लग रहा है कि ये सामूहिक लूट योजना में तब्दील हो गई है, क्योंकि जिस तरह का आपने देखा होगा चंद दिनों पहले बलिया में हुआ फर्जी दूल्हा और सब फर्जीफिकेशन में ही पूरी शादी संपन्न हुई, कमोबेश वही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में होते हुए आजमगढ़ में भी, जो कि हमारे कई मीडिया के साथी बताए अनऑफिशियली कि किस तरह से कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी समाज कल्याण अधिकारी शायद 151 लोगों का बता रहे थे कि संपन्न हुआ, उसके बाद संख्या 192 हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें संदेह के घेरे में हैं, और जिस तरह का उपहार दिया गया वो भी संदेह के घेरे में है। और दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जिनके खातों में धनराशि भी नहीं पहुंची है अब तक, और आनन फानन में जिस तरह से पकड़ पकड़ के जोड़ों को लाके शादी की रस्म अदायगी की गई, ये भी संदेह के घेरे में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उतने लोगों को ही शादी होनी चाहिए, लेकिन सुनने में आया है कि पकड़ पकड़ के लोगों को लाके को सिंदूरदान करवाया जा रहा है संख्या बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं आजमगढ़ में ये संदेह के घेरे में है, क्योंकि सरकार की मंशा एक तरफ रहती है कि सरकार कहती कि हम जनता जनार्दन की बात करते हैं, लेकिन उनकी हर योजना में धनार्जन भी शामिल रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा जन सरोकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, वो जन सरोकार की योजनाएं धन सरोकार में बदल जाती हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अलावा अगर आप अभी चंद हफ्ते पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आपने देखा होगा बदायूं में किस तरह से आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी के सामने मंच पर एक शारदा देवी नाम की महिला ने खुलेआम आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना के तहत उससे 30,000 रुपये की रिश्वत ली गई है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। तो देखिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं ये जनता जनार्दन के लेकर के खाली बात की जाती है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य धनार्जन होता है, और जन सरोकार के नाम पर ये धन सरोकार का काम कर रहे हैं सरकार के अधिकारी, और सरकार का संरक्षण भी बकायदे मिल रहा है इनको। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो भी चाहे बलिया में घटना हुई हो चाहे आजमगढ़ में जो कि शादी संपन्न हुई अभी कल, इसमें जो भी अनियमितताएं हैं इसकी जांच कराई जाए और इस पर जो भी अधिकारी दोषी हैं उसको दंडित किया जाए। क्या लग रहा है कि मार्च को देखते हुए बजट आनन फानन में खर्च किया जा रहा है? देखिए सारी चीज़ें वही मैंने कहा ना कि जन सरोकार के नाम पर धन सरोकार का योजना सरकार चला रही है और जनता जनार्दन के नाम पे धनार्जन की योजना चला रही है। इसी उद्देश्य के तहत आनन फानन में जितने भी बजट हैं उसको खर्च किया जा रहा है।
आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर के आईटीआई के मैदान में बुधवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के युवा जोड़ों की शादी कराई गई। पहले समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 151 जोड़ों की शादी हुई, लेकिन बाद में यह संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 192 हो गयी। वहीं विवाह समारोह में कई परिवारों ने उपहार की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए और कई ऐसे परिवार रहे जिन्हें शासन की तरफ से वधू के खाते में दी जाने वाली 35,000 की धनराशि नहीं मिल सकी थी। सामान में सब तो पायल मिला है, कुकर मिला है, बर्तन मिला है, बहुत सारे सामान मिले हैं, देखे नहीं। अच्छा, मतलब बर्तन का सामान मिला है केवल। और मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री जी की तरफ से 31,000 रुपया खाते में डालने के लिए कहा गया, आया कि नहीं? अभी अभी तक तो नहीं आया। अभी नहीं आया, एक को पैसा नहीं आया है? लड़की किसकी, कहाँ लड़की? अच्छा, और क्या क्या मिला है आपको सरकार की तरफ से? अब ये सब मेरा सामने है, अभी पैसा सना मिला है। सामान में क्या क्या है? साड़ी है, हाँ, दो साड़ी और कपड़ा है, और घड़ी है, और कुकर है, कुकर ठीक, और बर्तन है, बस। हाँ, इतना सामान, ऐसे बिछुआ है, कड़ी है, लड़की को तो पैसा नहीं गया। नहीं, कल खड़ी। जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी पर विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी ने बताया कि कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में कैंसर का खतरा हो सकता है। समय रहते इसकी जांच और इलाज से इस असाध्य समझी जाने वाली बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे तमाम आम और सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने कैंसर का सही समय पर जांच और इलाज करवाकर वर्तमान जीवन का सुख प्राप्त कर रहे हैं। इस दिशा में और भी जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे पर जनपद के लोगों को इस बीमारी की पहचान, लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव, नियमित जांच और इस बीमारी के शुरुआती लक्षण को पहचान कर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात दिया जा सकता है। इस साल वर्ल्ड कैंसर डे की थीम कैंसर केयर गैप को कम करे रखी गई है, जिसके जरिए कैंसर मुक्त दुनिया बनाने में जन सामान्य से आह्वान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगामी 4 फरवरी को भी हम लोग विश्व कैंसर दिवस के संबंध में आयोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा और गोष्ठी भी की जाएगी, जिसके माध्यम से लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़े। इस बार का थीम है क्लोज द केयर गैप। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हर स्तर पर इस पर चर्चा हो, हमारे चिकित्सालयों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर, जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जन संदेश के रूप में लोगों को कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए संबोधित किया जाएगा। इस तरह की जागरूकता आगे भी चलती रहेगी? एनसीजी कार्यक्रम के तहत ये अभियान हमारा हमेशा चलता रहता है। ये विशेष दिवस के रूप में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। वैसे वर्ष पर्यंत हम लोग एनसीजी कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर के समुदायीकरण, उसकी पहचान के लिए कैंप आदि की व्यवस्था करते रहते हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के दृष्टिगत आज प्राथमिक विद्यालय चक्रपानपुर जहानागंज, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल कमहरिया मेहनगर आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने विद्यालय में पहुंचकर बच्चों से उनके ड्रेस के बारे में पूछा, जिस पर टीचर द्वारा बताया गया कि ड्रेस के पैसे उनके खाते में भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभिभावक से बात करके बच्चों को ड्रेस में विद्यालय भेजने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने खरिहानी कमहरिया में मनरेगा के अंतर्गत अमृत सरोवर पर कराए जा रहे मिट्टी खुदाई के कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कड़े निर्देश दिए कि मिट्टी खुदाई का कार्य मनरेगा में पंजीकृत मजदूरों से ही कराएं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने कार्य कर रहे मजदूरों के उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने खरिहानी में सेरा गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी द्वारा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित कार्य संस्था को निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के अवशेष निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्तायुक्त पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पूरे सिटी में वाहन की सुविधा एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11th साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट वाईफाई कैंपस स्मार्ट क्लासरूम लाइव प्रोजेक्ट्स स्पेशल प्लेसमेंट सेल स्कॉलरशिप सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एयर कंडीशनर एयर कूलर डीप फ्रीजर वाटर कूलर मिक्सर जूसर आयरन फैन इंडक्शन बैटरी इन्वर्टर इलेक्ट्रिक गीजर गैस गीजर आटा चक्की इत्यादि फर्नीचर के सामानों में बेड गद्दा सिंगारदान अलमीरा सोफा टेबल चेयर रैक स्टूल संदीली सीढ़ी डाइनिंग टेबल झूला आदि शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।